कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नहीं, बीजेपी के नारों की क्या बात, वो तो 400 बहुत सीट से ही बोल रहे हैं वो। मैं अगर वो कहते हैं अच्छी बात है, देखो जनता जनार्दन है, टक्कर जनता करती है। मैंने जैसे कह दिया कि आप टक्कर हमारी उनके साथ है। आज एक बात एक बड़ी क्लियर सी है कि बीजेपी तो वही है ना जो 405 की बात करती है। अब आप देख रहे हैं द वर्किंग न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शिराज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पीडीपी नेता वरिंदर सिंह सोनू, जो कि बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये उम्मीदवार है, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सोनू जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, शुक्रिया। सोनू जी, आप बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है? देखिए, ऐसे है कि आज सुनवा बठिंडी और चाटे का टूर था, तो जगह जगह लोगों से मिले, कुछ मीटिंग भी हुई, कुछ आज हमने अपने दफ्तर भी उद्घाटन यहाँ किया। आज एक बात है कि आज जम्मू बहू में फर्क सब हो गई। जो पहले रवायती पार्टियों में मुकाबला होता था, तो आज रवायती पार्टियों से हट कर एक बात है, नौजवान जो चाहता है कि हमने एक नौजवान को मौका दें। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से चाहे वो की है, 5 गजल फैसला है, या मान लीजिए कि चाहे पूरा जम्मू कश्मीर जो उन्होंने इसमें किया हुआ है, तो आज जो हमने फैसला किया, जो आज लोगों ने, जो लोगों का प्यार है इस फैसले की तरफ है कि पीडीपी जम्मू बहू से जीती है। और आज लोग हमें ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी से पूछिए इन्होंने पिछले 5 साल में किया क्या। और खासतौर पर सुनवा बठिंडी की अगर जब हम बात करते हैं, तो मुझे याद आता हूँ पीला पंजा, जब पीला पंजा लेके जब निकले थे, तब ये कहते थे कि हमने सारा सुनवा बठिंडी जो है उसको नस्ते में पूछ करना है, इनका जनारा था। आज जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो कहता था कि पीला मैं पंजा लेके खुद जाऊँगा जो मक्खन उखाने के लिए, हमको याद होगा। लेकिन आज एक बात और भी है जो लोग कहते हैं, वो कहते हैं बीजेपी तो हमारा मकान तोड़ रही थी, तो कांग्रेस खामोश थी, वो चुप करके बैठी थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सोनू जी आप तब हमारे साथ हैं जब कोई नहीं था, और वाकई मैंने उस सिचुएशन में डट के साथ दिया था। तो आज जो है वो लोग फैसला कर चुके हैं कि जम्मू बहू से पीडीपी के जो उम्मीदवार जो मैं उनके सामने हूँ, वो कहते हैं अब ये तो एक बात है, वो कहते हैं मुझे तो है, वहाँ से लोग कह रहे थे, कह रहे आप मुकाबला आपका और बीजेपी का, कांग्रेस से टक्कर नहीं। तो मैं ये समझता हूँ लोगों का प्यार जो मुझे मिल रहा है, तो ये एक बड़ी, मैं कहता हूँ एक आप समझ लीजिएगा बड़ी घटना की तरफ, वो घटना ये होगी कि जम्मू बहू सिंह जो पीडीपी। सोनू जी, बीजेपी तो कई ये भी नारे चल रहे हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नहीं, बीजेपी के नारों की क्या बात, वो तो 400 बहुत सीट से ही बोल रहे हैं वो। मैं अगर वो कहते हैं अच्छी बात है, देखो जनता जनार्दन है, टक्कर जनता करती है। मैंने जैसे कह दिया कि आप टक्कर हमारी उनके साथ है। आज एक बात एक बड़ी क्लियर सी है कि बीजेपी तो वही है ना जो 405 की बात करती है। और मैं बीजेपी के लिए कहता हूँ, ये कहते हैं ना क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, मैं कहता हूँ आपकी बात लखनपुर से बात। अब बीजेपी का झंडा उठाने वाला जम्मू कश्मीर में कोई रहेगा या सब लोग जो है वो चुनाव हारेंगे? भाई आप समझिए, वो स्मार्ट मीटर, वो बिजली 4-5 हजार रुपए कराया, वो सिलेंडर, वो 2 करोड़ नौकरी। भाई जिस तरह से स्मार्ट मीटर हम पर लगा, आपको यार पुलिस का लगा के तहसीलदार को मौके पर बुला के लोगों को डरा दम करके स्मार्ट मीटर लगाया, अगर जम्मू बहू की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं स्मार्ट मीटर उतार के तभी में फेंक दियाऊंगा। और मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ, बिजली का तो 200 यूनिट हमने फ्री करनी करनी है, बिजली का रेट 50% करेंगे, लेकिन स्मार्ट मीटर उठा के तभी नहर, तभी दरिया के पुल के नीचे फेंकेंगे। सोनू जी, पार्टी का तो मैनिफेस्टो है, लेकिन आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा बहू कॉन्स्टिट्यूएंसी को? देखिए, हाँ बड़ी अच्छी बात है, बहू कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मेरा बड़ा मैनिफेस्टो ये है कि एक तो स्मार्ट मीटर का घपला हमने रहने नहीं देना। अगर मैं बहू से जीता तो सबसे पहले ये जो कॉलोनी है जहाँ पर ये लोग बसे हैं, इनको रेगुलराइज किया जाए, इनको मालकी हक इनके दिए जाएंगे जो 17 साल से यहाँ रह रहे हैं। और मेरी सबसे बड़ी बात नौजवानों की बात है, बहू में इतना कुछ नहीं, सरकारी जमीन होने के बावजूद यहाँ स्टेडियम नहीं, सबसे पहले एक स्टेडियम जो है वो बहू में कॉलेज बनाया जाएगा, इसके लिए मैं वचनबद्ध रहूँगा, नशे को ख़त्म किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात नौजवान के रोजगार के लिए अवसर जो पैदा किए, इन 4-5 मुद्दों के ऊपर मैं चला हुई लड़ूंगा। एक बार ये बता दिए, जो बीजेपी का नारा है क्यों पड़े हो चक्कर में, तो ये टक्कर में क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए, मैं बीजेपी के लिए कहना चाहता हूँ, आप विरोधी देख आके कौन कौन है यहाँ टक्कर में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी की बात है, मैं अपनी बात अगर करता हूँ, मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर, इन आंखों ने कभी मेल का पत्थर नहीं, मेरी नज़र है कि मैंने असेंबली में जाना है, बहू के लोगों के साथ जाना है, तो बाकी रिजल्ट 8 तारीख को आ जाएगा। बाकी अब तक तो जितने भी फॉर्म भरेंगे तो वो सब कहेंगे हम रेस में एमएलए हैं, लेकिन एक बात तो है ना कि आज बीजेपी हो कांग्रेस को, उनको बयान बहू में पीडीपी के खिलाफ ही देना पड़ता है, और तो किसी के खिलाफ बात ही नहीं करते, तो इसका मतलब जो नजर आ रहा है तो उसी के साथ मुकाबला है, तो बाकी सब लोग देखेंगे 8 तारीख को आपके सामने। शुक्रिया भाई, धन्यवाद।
ये राज्य करने के लिए वरिंदर सिंह सोनू जो पीडीपी के कैंडिडेट वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप सबका क्या कहना है? अभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर है, तब तक भी देखते हैं।